गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय सेल्फ प्रोफेसर सचिन सलाटे फ्रॉम एजीएम कॉलेज कराड़। सो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि पर्सनल मतलब सेक्रेटरी का मीनिंग देखा था, उसका डेफिनेशन देखा, उसका फीचर्स देखा। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर लर्न टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी। सो स्टूडेंट्स, द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन हैज लीड टू इंक्रीज द वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि हमारे इंडियन इकोनॉमी में इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन हैज टू लीड इंक्रीज द वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब डे बाय डे ऑर्गेनाइजेशन क्या हो रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन हो रही है, बराबर है। हर दिन हर एक ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस क्या हो रहा है, एक्सपांड होते जा रहा है, बराबर है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन देयरफॉर रिक्वायर वन सच पर्सन ऑन होम द इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन कैन इंट्रस्ट द पर्सन विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब एवरी ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब कि हर एक मतलब ऑर्गेनाइजेशन का क्या हो रहा है, बिजनेस का इंडस्ट्रियलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन क्या हो रहा है, बिजनेस एक्सपांड होते जा रहा है, बराबर है। तो बिजनेस मन क्या कर रहा है कि हर एक पर्सन क्या कर, उस ऑर्गेनाइजेशन में जो नॉलेजेबल पर्सन है वो क्या कर रहा है, रिक्वायर है, बराबर है, एज पर द इंटरेस्ट। मतलब कि उस एम्प्लॉयज के ऊपर बिजनेसमैन का ऑर्गेनाइजेशन का ट्रस्ट रहना चाहिए, बराबर है। कि मतलब कि क्या, कि मतलब कि उसके पास मतलब कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वेल एजुकेटेड है, बराबर है। मतलब हर एक उसको मतलब गवर्नमेंट का कानून कायदान बराबर लॉज बिजनेस लॉज मालूम है, रूल्स एंड रेगुलेशंस मालूम है। वो क्या करेगा, हर एक बंदा ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब और इंटरेस्ट पर्सन है, बराबर है। द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्रेटरी हैज पर एक्सपांड रिक्वायर ऑलमोस्ट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इस सेक्रेटरी परफॉर्म द ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयज। मतलब जो पर्सन क्या करता है ऑर्गेनाइजेशन में एज ए एम्प्लॉयज और ऑर्गेनाइजेशन की क्या लेता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। द फॉलोइंग आर द वेरियस टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी, बराबर है। फर्स्ट सेक्रेटरी अपना पर्सनल सेक्रेटरी, कौन सा है, पर्सनल सेक्रेटरी, पर्सनल सेक्रेटरी। सो स्टूडेंट, पर्सनल सेक्रेटरी कौन अपॉइंटमेंट करता है, कौन अपॉइंट करता है, जैसे कि पर्सनल सेक्रेटरी कौन अपॉइंट करता है, कि द पर्सनल सेक्रेटरी और पर्सनल असिस्टेंट इज द ओल्डेस्ट टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी। ये कौन सा टाइप्स है, ओल्डेस्ट टाइप का सेक्रेटरी। मतलब पर्सनल सेक्रेटरी को क्या कहते हैं, पर्सनल असिस्टेंट कहते हैं। अब पर्सनल सेक्रेटरी इज वन हु अपॉइंटेड पर्सनल सेक्रेटरी इज अ वन हु अपॉइंटेड बाय बिजी इंडिविजुअल लाइक इंडस्ट्रियलाइजेस्ट बिजनेसमैन और प्रोफेशनल टू द कंडक्ट द करस्पॉन्डेंस एंड द डे टू डे रूटीन ऑफ द ड्यूटीज। मतलब कि पर्सनल सेक्रेटरी या पर्सनल असिस्टेंट कौन अपॉइंटेड करते हैं, जो बिजनेसमैन जो इंडस्ट्रियलाइजेस्ट है और बिजनेसमैन है एज अ प्रोफेशनल है, बराबर है। द अपॉइंटमेंट कौन करता है, अपॉइंट कौन करता है उसको, कि पर्सनल सेक्रेटरी को बाय बिजी इंडिविजुअल अपॉइंटेड सेक्रेटरीज टू लुक आफ्टर अदर वर्क सो एज टू एनेबल देम टू कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर प्राइमरी वर्क। मतलब कि बिजी इंडिविजुअल पर्सन, मतलब कि हर एक मतलब जो इंडिविजुअल मतलब क्या, अकेला पर्सन अपने मतलब कि वर्क्स में कंटिन्यूसली बिजी रहता है। मतलब उसके कोर एक्टिविटी में क्या रहता है, वो कंटिन्यूसली बिजी रहता है, बराबर है। वही मतलब क्या करता है कि पर्सनल सेक्रेटरी अपॉइंट करता है, बराबर है। मतलब कि उसका जो प्राइमरी वर्क है वो कंटिन्यूसली वर्क करता है, ऑर्गेनाइजेशन में उसका मतलब कॉन्सेंट्रेट नहीं रहता है, बराबर है। फॉर एग्जाम्पल दे है डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, सीए, एक्टर्स, पॉलिटिशियंस, लीडर्स, मिनिस्ट्री एक्सेट्रा। मतलब कि इंडिविजुअल पर्सन्स में अपना कौन सा आएगा, डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, सीए, एक्टर्स वगैरह। ये मतलब कि क्या होते हैं कि जो इंडिविजुअल पर्सन्स है वो क्या करते हैं, अपने कोर एक्टिविटी में कंटिन्यूसली बिजी रहते हैं, जो अदर वर्क्स है उनको क्या रहता है, कॉन्सेंट्रेट नहीं रहता। इसलिए वो क्या करते हैं, हमेशा पर्सनल सेक्रेटरी या पर्सनल असिस्टेंट अपॉइंट करते हैं। क्यों, क्योंकि डे टू डे लाइफ की जो एक्टिविटी है कंटिन्यूसली रन ऑफ करने के लिए, बराबर है, उसका प्रॉपर क्वालिफिकेशन क्या रहना चाहिए। और पर्सनल सेक्रेटरी
सच एज टू स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन, मतलब उसका प्रॉपरली स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन रहना चाहिए, एट एंड ग्रेजुएशन डिग्री, मतलब उसके पास क्या रहना चाहिए, ग्रेजुएशन डिग्री रहना चाहिए, गुड कमांड ओवर लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज के ऊपर उसका गुड कमांड, गुड कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड, नॉलेज ऑफ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंटरेस्ट स्किल हैव टू बिकम नेसेसरीली, बराबर है, मतलब कि पर्सनल असिस्टेंस को कंप्यूटर नॉलेज रहना चाहिए, इंटरनेट स्किल का हैव बिकम टू इंटरनेट, जो इंटरनेट की स्किल से, बराबर है, मतलब कि फॉर एग्जांपल इंटरनेट स्किल्स जो कंप्यूटर नॉलेज है उसका प्रॉपर उसको क्या रहना चाहिए, नॉलेज रहना चाहिए एज पर द नेसेसिटी। द क्वालिफिकेशन डिपेंड्स अपॉन ऑन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एम्प्लॉयर ऑफ द प्रोफेशन। अगर फॉर एग्जाम्पल दे कि जो इंडिविजुअल पर्सन है डॉक्टर्स, उसके पास भी क्या रहना चाहिए, नॉलेजेबल पर्सन रहना चाहिए, तो भी क्या करेगा, कंप्यूटर्स का नॉलेज रहेगा, इंटरनेट का स्किल रहेगा, तो भी क्या करेगा, उसकी ऑर्गेनाइजेशन का कोर एक्टिविटी छोड़कर डेली डे टू डे लाइफ की एक्टिविटी क्या करेगा, वो बंदा जो पर्सनल असिस्टेंट है, जो पर्सनल सेक्रेटरी है, वो क्या करेगा, कवर अप करेगा, हैंडल करेगा, बराबर, उसका प्रॉपरली क्या रहना चाहिए, गुड कम्युनिकेशन, गुड कमांड्स रहना चाहिए, बराबर है, एज पर द डिपेंड ऑन, आपका लॉयर आया, इंजीनियर आया, सीए आया, सीए क्या क्या रहता है, चार्टर्ड अकाउंट का फाउंडर फर्म रहता है, फर्म में क्या करता है, जो चार्टर्ड अकाउंट रहेगा उसका अपना एक्टिविटी में क्या रहता है, बिजी रहता है, तो उसकी फर्म चलाने के लिए क्या रहता है, क्या करते हैं लोग, पर्सनल असिस्टेंट सेक्रेटरी अपॉइंट करता है, क्योंकि क्या कि डे टू डे लाइफ में जो उसके ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉई या एम्प्लॉइज है उसके ऊपर क्या करते हैं लोग, ध्यान रखता है, बराबर है, ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रहा है, बराबर है, ऑर्गेनाइजेशन हमारा रन ऑफ कर रहा है क्या, फॉर्म अपनी रन ऑफ कर रही है क्या, कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट क्या, गुड कम्युनिकेशन उसका, गुड कमांड है, तभी तो क्या कर रहा है हर, मतलब पर्सनल असिस्टेंट सेक्रेटरी क्या कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल कर रहा है, क्यों, क्योंकि उस बंदे के पास क्या है, प्रॉपर वेल एजुकेटेड है, प्रॉपर नॉलेज है एज पर द डिपेंड ऑन पर्सनल सेक्रेटरी या पर्सनल असिस्टेंट, बराबर है। नेक्स्ट है अपना इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी, कौन सा है अपना, इंस्टीट्यूशनल नेक्स्ट है अपना इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी, इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। सो स्टूडेंट फर्स्ट हमने देखा कि टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी में पर्सनल सेक्रेटरी का, नेक्स्ट देखा देखने वाले हम लोग इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी, अ सेक्रेटरी अपॉइंटेड इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि क्या आया इसमें, ग्रुप ऑफ पर्सन आए, बराबर है, इंस्टीट्यूशनल में क्या आएगा, ग्रुप ऑफ पर्सन आएंगे, मतलब इंस्टीट्यूशन हो या ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। उसमें फर्स्ट सेक्रेटरी है सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट, सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन, सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन, सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन मतलब क्या आएगा कि समझो कि सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन और नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन मींस द ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म टू प्रमोट सोशल, एजुकेशनल, कल्चरल, आर्ट्स, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज विद द इंटेंशन ऑफ प्रोवाइड सर्विस एंड नॉट टू द नॉन प्रॉफिट, मतलब कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, सोशल, एजुकेशनल, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में इंटेंशन ऑफ प्रोवाइडिंग क्या करती है, सोसाइटीज में क्या करती है, सर्विस प्रोवाइड करती है एज पर डिपेंड ऑन नॉट एंड नॉट टू द ऑन प्रॉफिट, वो प्रॉफिट मेकिंग रहती है क्या, नहीं, उसके लिए चलाने के लिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए कौन सा सेक्रेटरी अपॉइंट करना चाहती है लोग, कि नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन इज अ लुक आफ्टर मैनेजमेंट कमिटी विच इलेक्टेड बाय द मेंबर। वो क्या करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेनाइजेशन से या जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसकी मैनेजमेंट कमिटी क्या करती है, उसको उस बंदे को क्या करती है, अपॉइंट करती है, क्योंकि उसको प्रॉपर नॉलेज है या नहीं, वो क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं, बराबर है। द सेक्रेटरी मे बी फुल टाइम और पार्ट टाइम पर्सन वर्किंग ऑन सैलरी बेसिस, बराबर है, मतलब कि जो बंदा मतलब जो पर्सनल मतलब जो सॉरी जो सेक्रेटरी रहेगा
बराबर है, उसको फुल टाइम रखेंगे या हाफ टाइम रखेंगे, मुझे फुल टाइम या पार्ट टाइम रखेंगे, उसके ऊपर क्या रहेगा उनका ऑन द ऑन सैलरी बेसिस रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आएगा अपना रोटरी क्लब, लायंस क्लब, स्पोर्ट्स क्लब, कल्चरल क्लब, चेंबर ऑफ कॉमर्स एक्सेट्रा, एज पर डिपेंड अपना नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि क्या कि रोटरी क्लब ले लो, लायंस क्लब ले लो, स्पोर्ट्स क्लब ले लो, इन क्लब्स में जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको जो कमिटी रहेगा वही क्या करेगा, उस बंदे को क्या करेगा, मतलब उसको पास प्रॉपर नॉलेज है, मतलब कमिटी चलाने का, एज पर डिपेंड ऑन पार्ट टाइम रहने दो या फुल टाइम रहने दो, ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी बेसिस, बराबर है। ये क्या करेंगी नॉन प्रॉफिट ऑर्गन एसोसिएशन, बराबर है, क्या करेगी उस बंदे को अपॉइंटमेंट करेगी। तो उसका क्वालिफिकेशन क्या रहना चाहिए, देर इज अ नो प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन फॉर द टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी, मतलब उसके जो क्वालिफिकेशन रहना चाहिए, मतलब उसका मतलब सेक्रेटरी लेवल का नहीं होगा तो भी चलेगा। दे सेक्रेटरी शुड बी एक्वाइर्ड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ बेसिक फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जो बेसिक फंक्शनिंग है उसका क्या रहना चाहिए बंदे को या सेक्रेटरी को, प्रॉपर नॉलेज रहना चाहिए, नॉलेज ऑफ फिलिंग, मतलब कि क्या रहना चाहिए, मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइज एसोसिएशन में जो फाइलिंग का वर्क रहता है या कंप्यूटर का वर्क रहता है, कॉरेस्पॉन्डेंस आर द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर दिस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन में जो अपना रोटरी क्लब, लायंस क्लब, बराबर है, जो स्पोर्ट्स क्लब रहेगा, उसको जो सेक्रेटरी का जो नॉलेज रहता है उसके क्या कम नॉलेज रहेगा, मतलब उसके पास क्या रहना चाहिए कि फाइलिंग, मतलब फाइलिंग करना भी एक क्या है, स्किल है, और अपना कंप्यूटर्स का तो नॉलेज रहना चाहिए, बराबर है। कॉरेस्पॉन्डेंटली जो वर्क से जो ऑर्गेनाइजेशन में रहेगा, बराबर है, वो भी क्या करना मैनेज करने को आना चाहिए, एज पर डिपेंड ऑन अपना मतलब सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन। नेक्स्ट कौन सा है अपना, सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेक्रेटरी ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, बराबर है। सेक्रेटरी ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी मींस क्या आएगा कि समझो इसमें कौन अपॉइंटमेंट करता है, या मतलब क्या होता है उसका, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ एसोसिएशन फॉर्म वॉलंटरी बाय मिनिमम 10 मेंबर्स और मोर मतलब कि क्या कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में कितना मिनिमम 10 मेंबर्स या ज्यादा मेंबर्स रहते हैं। इन महाराष्ट्र दिस सोसाइटी आर रजिस्टर्ड अंडर द महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960, बराबर है। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट क्या अपना 1960, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इट इज अ प्रोवाइडेड सर्विस टू द इट्स मेंबर्स। फॉर एग्जाम्पल दिए कि कोऑपरेटिव बैंक्स, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स एक्सेट्रा। मतलब कि क्या कि कोऑपरेटिव बैंक ले लो, बैंक कोऑपरेटिव सोसाइटी ले लो, मतलब और अपना कोऑपरेटिव कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स, इसमें मैक्सिमम कितना मेंबर्स रहना चाहिए, 10 या मोर रहना चाहिए, एज पर डिपेंड अपना किसके अंडर आएगा, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960 के अंडर अपना सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी चाहिए। उसको कौन अपॉइंटमेंट करते हैं कि देखो द मेंबर इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव कॉल्ड मैनेजमेंट कमेटी, क्या करती है उसको मैनेजमेंट कमेटी क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है, बराबर है। वन ऑफ द मेंबर ऑफ मैनेजिंग कमेटी इज अपॉइंटेड सेक्रेटरी, मैनेजमेंट कमेटी क्या करती है सेक्रेटरी को अपॉइंटमेंट करती है, मतलब उस बंदे के पास क्या चाहिए प्रॉपर एजुकेशन चाहिए, बराबर है। द जनरली सच एज सेक्रेटरी वर्क फॉर लार्ज स्केल कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, सेक्रेटरी मे बी अपॉइंटेड फुल टाइम एम्प्लॉय ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी, बराबर है। मतलब कि उसके पास मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो बंदे के पास जो उसका प्रॉपर नॉलेज है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, वो कैसे प्रकार के मैनेज करता है हर एक कमेटी को, उसके पास क्या रहना चाहिए प्रॉपर नॉलेज रहेगा, तभी कोऑपरेटिव सोसाइटी का कमेटी क्या करेगा उसको अपॉइंट करेगा, बराबर है। ऑन द बेसिस ऑफ मतलब फुल टाइम उसको वर्क देगा, मतलब मंथली उसको क्या मिलेगा प्रॉपरली सैलरी मिलेगा। उसका क्वालिफिकेशन क्या रहना चाहिए, द सेक्रेटरी ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी सच डज नॉट हैव अ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन, इसमें भी क्या नहीं चाहिए कि हाई लेवल का सेक्रेटरी का
प्रॉपर नॉलेज नहीं रहना चाहिए, बराबर है। सेक्रेटरी शुड बी हैव गुड नॉलेज ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, शुड बी लेटेस्ट ग्रेजुएट, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी का सेक्रेटरी कैसा रहना चाहिए, एटलीस्ट क्या रहना चाहिए, उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, उसका नॉलेजेबल मतलब प्रॉपर नॉलेजेबल, उसका हर एक लैंग्वेज के ऊपर कमांड्स रहनी चाहिए, बराबर, गुड नॉलेज रहना चाहिए एज पर डिपेंड अपना आएगा सेक्रेटरी ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट है अपना सेक्रेटरी ऑफ ए जॉन स्टॉक कंपनी, सेक्रेटरी ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, सेक्रेटरी ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, सेक्रेटरी ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या आएगा, एज पर द जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ फर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट सुटेबल फॉर ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस एक्टिविटी ऑन अ लार्ज स्केल। जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर क्या था, पार्टनरशिप वगैरह, जॉइंट हिंदू फैमिली वगैरह, इन लोगों का बिजनेस, अदर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, विच इज कंसिडर्ड मोस्ट सुटेबल ऑफ वन फॉर ऑर्गेनाइजेशन एज पर डिपेंड ऑन द बिजनेस एक्टिविटी ऑन अ लार्ज स्केल। उनका बिजनेस क्या होता है, एक्सपांडेबल रहता है, बराबर है। अ कंपनी सेक्रेटरी इज अ कंसिडर वन ऑफ द की ऑफ ऑफिसर ऑफ द कंपनी, मतलब ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो बिजनेसमैन रहेगा उसको वो क्या करेगा, अपना कोर एक्टिविटी में कंटिन्यूसली बिजी रहेगा, तो उसकी कोर एक्टिविटी में बिजी रहेगा तो वो क्या कर देगा, कंपनी में पर्सनल सेक्रेटरी या पर्सनल असिस्टेंट, मतलब पर्सनल सेक्रेटरी क्या करेगा, अपॉइंटेड करेगा एज अ कंपनी सेक्रेटरी कंसिडर्ड वन ऑफ द की ऑफ द ऑफिसर, मतलब उसको क्या करेगा, वो ऑफिसर का की बनाएगा। सेक्रेटरी इज अ वाइटल इंपॉर्टेंस मॉडर्न बिजनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब मॉडर्न बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेक्रेटरी इज अ इंपॉर्टेंस है, बराबर है। इसके लिए कौन अपॉइंटमेंट करता है, देखो द कंपनी सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड राइट फ्रॉम द टाइम टू कंपनी इज अ फॉर्म टू लुक आफ्टर वेरियस एस्पेक्ट ऑफ ए बिजनेस, मतलब कि कंपनी को ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए ऐसा बनना चाहिए कि उसको प्रॉपर क्या रहना चाहिए, प्रॉपरली उसके पास नॉलेज रहना चाहिए, तो कंपनी क्या उसके पास से क्या करेगी, मतलब प्रॉपर एक्सेप्ट कर देगी। सेक्रेटरी वर्क्स अंडर द कंट्रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मतलब कि किसके अंडर रहता है उसके, कौन अपॉइंट करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता है एज पर डिपेंड ऑन अपना जॉइंट स्टॉक कंपनी। उसका क्वालिफिकेशन क्या रहना चाहिए, एज पर सेक्शन 203 कंपनीज एक्ट 2013 द कंपनी सेक्रेटरी मस्ट बी मेंबर इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, मतलब उसका मतलब क्वालिफिकेशन मतलब कैसा रहना चाहिए, हाई लेवल का रहना चाहिए, उसका क्वालिफिकेशन हाई लेवल का रहना चाहिए, अदर वीज उसका नॉलेज उसका एक्सपांड रहना चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज रहना चाहिए, मतलब हर एक का मतलब उसका बंदे का नॉलेज प्रॉपर रहना चाहिए, बराबर है। एज पर डिपेंड आपका सेक्शन पता है कि 203 कंपनीज एक्ट 2013 कंपनी सेक्रेटरी मस्ट बी मेंबर ऑफ, वो किसका मेंबर रहना चाहिए, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का मेंबर रहना चाहिए, तभी जो जॉइंट स्टॉक ऑर्गेनाइजेशन कंपनी क्या कर सकता है, ज्वाइन कर सकता है, मतलब उसके इस जॉइंट स्टॉक कंपनी में कैसा बंदा चाहिए, प्रॉपरली नॉलेजेबल पर्सन चाहिए एज पर डिपेंड अपना आएगा सेक्रेटरी ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, बराबर है। नेक्स्ट है अपना सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सेक्रेटरी ऑफ ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सेक्रेटरी ऑफ ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सेक्रेटरी ऑफ ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आर दोज डिपार्टमेंट वर्किंग अंडर द वेरियस मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आर दोज द मोर ऑफ डिपार्टमेंट से, वो किसके साथ रहता है कि अपने वेरियस डिपार्टमेंट वर्किंग अंडर ऑफ द वेरियस मिनिस्टर एंड स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर थ्रू क्या करता है, काम वर्क करते रहता है, बराबर है। उसको कौन अपॉइंटमेंट करता है, इन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट अ सेक्रेटरी एज एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ ए मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट, बराबर है। इसको कौन अपॉइंट करता है, इन द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट क्या करता है, उस बंदे को क्या करते हैं,
एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द क्या करते हैं स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट क्या करते हैं उसको अपॉइंटमेंट करते हैं। उसका क्वालिफिकेशन मतलब क्या आएगा उसके इन द यूनियन स्टेट ऑफ गवर्नमेंट सेक्रेटरी होल्ड पोजिशन एज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट लाइक फाइनेंस सेक्रेटरी डिफेंस सेक्रेटरी होम सेक्रेटरी एक्सेट्रा एज पर द डिपेंड ऑन रहेगा सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। उसका क्वालिफिकेशन क्या रहना चाहिए द सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट नीड्स टू पजेस ऑफ ग्रेजुएशन डिग्री मतलब उधर क्या चाहिए अपने को ग्रेजुएशन डिग्री क्या करें कंपल्सरी चाहिए। द सेक्रेटरी शुड बी पास द सिविल सर्विसेस एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय पब्लिक सर्विस कमीशन एंड द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मतलब उसको IAS लेवल का प्रॉपर नॉलेज चाहिए तभी वो क्या करेगा बंदा सेक्रेटरी ऑफ ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का क्या होगा सेक्रेटरी बनेगा बराबर है। एज पर डिपेंड हमने देखा कि टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी में पर्सनल सेक्रेटरी देखा पर्सनल सेक्रेटरी में कौन आता है अपना इंडिविजुअल पर्सनल में क्या आएगा डॉक्टर लॉयर्स एक्टर जो भी बंदा आएगा वो क्या कर देगा इंडिविजुअल मतलब पर्सनल असिस्टेंट या पर्सनल सेक्रेटरी क्या करेगा अपॉइंट करेगा बराबर है। नेक्स्ट हमने देखा कि इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी में क्या देखेगा कि फर्स्ट देखा सेक्रेटरी ऑफ ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइज एसोसिएशन सेकेंड देखा सेक्रेटरी ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी थर्ड देखा सेक्रेटरी ऑफ ए जॉइंट स्टॉक कंपनी और फोर्थ देखा सेक्रेटरी ऑफ ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मतलब किस इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी में जब ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करना होगा मतलब वन ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन क्या करते हैं ऑर्गेनाइजेशन हैंडल करते समय उसको कंपनी से मतलब सेक्रेटरी ऑफ ए गवर्न प्रॉफिट एसोसिएशन में मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या ग्रेजुएशन चाहिए बराबर सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव में उसका प्रॉपर कोऑपरेटिव सोसाइटी का नॉलेज चाहिए जॉइंट स्टॉक कंपनी और अपना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ज़्यादा करके ICSI बराबर है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया और अपना क्या स्टेट गवर्नमेंट ऑफ मतलब IAS लेवल का प्रॉपर नॉलेज चाहिए। सो स्टूडेंट टुडे वी आर स्टॉप ऑफ हियर नेक्स्ट लेक्चर इट विल बी सी द इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी।